सेक्टर से हमारे साथ एपटेक के आज मैनेजमेंट मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर अनिल पंत हैं। मिस्टर पंत, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सेक्टर पर आउटलुक समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत चीज़ें डिजिटाइज्ड हो गई हैं, और स्पेशली आपके स्पेस में भी, डिजिटल स्पेस, आपके एजुकेशन स्पेस में भी सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सारी डिजिटल हो गई है। स्टोर्स में आना जाना अब कम, सेंटर्स में आना जाना अब कम हो गया है, वहाँ फुटफॉल जरूर डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये जो न्यू ट्रेंड इमर्ज होके आया, इसने सेक्टर को किस तरह की डायरेक्शन दी है, पहले तो आपका इस पर व्यू समझना चाहेंगे। तो धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यू नो द प्योर ऑनलाइन जो है वो कभी भी फिजिकल को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो एट बेस्ट एक टूल है जो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है फिजिकल लर्निंग को। एंड आज के दिन में आप किसी भी पेडागॉजी या पढ़ाने के तरीके के एक्सपर्ट से अगर बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऑनलाइन लर्निंग कैन नेवर रिप्लेस फिजिकल लर्निंग। तो एक नया मॉडल एमर्ज हो रहा है जो कि जिसको बोला जाता है फिजिटल, जिसमें कि जो थ्योरी है वो ऑनलाइन पढ़ाई जाती है, लेकिन जो बाकी स्किल्स हैं, जैसे आपकी पीयर टू पीयर लर्निंग हो गई, या कैसे टीम में काम करना है, या कैसे आपको टाइम प्रेशर में काम करना है, या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेके, ये सब सेंटर पे बुला के ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। अब इस फिजिटल मॉडल की वजह से क्या हो, दो चीजें होती हैं। एक, सेंटर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप थियोरी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बच्चा सेंटर में कम आ रहा है। तो आपकी आपकी बात सही है कि बच्चा सेंटर में कम आएगा, लेकिन जो आएगा और टाइम स्पेंड करेगा सेंटर में वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज वो और ऐसी लाइफ स्किल सीखेगा जिससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये मेरा मानना है कि ऑनलाइन कभी भी फिजिकल टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये इसे रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक अगर हम कोविड का इंपैक्ट देखें, और आपने सही कहा कि इसमें जो हाइब्रिड मॉडल है वो काफी हद तक परस्यू हुआ है, तो एक तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का स्प्लिट है कस्टमर्स का, वो इस समय कैसा है, और उसमें आगे आप किस तरह का ट्रेंड होता देख रहे हैं? और दूसरा, कोविड का एक जो साइड इफेक्ट हुआ है वो ये भी हुआ है कि ऑनलाइन लर्निंग में या फिर ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो ये जो कॉम्पिटिशन है उसे आप आगे किस तरह से इवॉल्व होता देख रहे हैं? तो इसमें हम इसे हमें दो तरीके से देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले बोला कि ऑनलाइन कभी भी फिजिकल को रिप्लेस नहीं करेगा, वो एक टूल की तरह काम करेगा। एंड अगर आप ऑनलाइन में जो प्लेयर्स आने की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें आज के दिन में एक स्कूल को एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी रिप्लेस नहीं कर सकती, एक कॉलेज को एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑनलाइन एजुकेशन कहां पे फायदेमंद हो सकता है? एक डिजायर्ड आउटकम होना चाहिए उस लर्निंग पे। तो अगर आज आप हमारा यूएसपी दे, मैं औरों के लिए तो बात नहीं करूंगा, मैं एपटेक की बात करूंगा बिकॉज ये मेरा एक्सपर्टीज एरिया है। अगर आप एपटेक में, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास कोई भी बच्चा आएगा और हमें फीस पे करेगा तो हमारी सेक्रेट ड्यूटी है कि हम उसकी नौकरी लगवाएं। तो हम उसे वो सब सिखाते हैं जिसकी वजह से उसकी नौकरी लग सकती है। अब इस वैल्यू एडिशन को अगर मैं देखूं, मैंने ज्यादा कंपनीज नहीं देखी है इस स्पेस में जो कि स्किल एजुकेशन लीडिंग टू अ जॉब की मार्केट में एंटर कर रही है। हाँ, सप्लीमेंट्री एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में बहुत प्लेयर्स आ चुके हैं। मिस्टर पंत, अगर आप इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो हमने मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखा है, ये एक वन ऑफ लग रहा है, या किस लेवल्स पे आप मार्जिन को सस्टेन होते हुए देखते हैं ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म? अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो इट इज ऑलमोस्ट अ 76% ग्रोथ ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? अगर आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें, बोथ द कंटिन्यूड एंड द डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अभी एपटेक के तीन बिजनेस लाइन है, एक है अपना डोमेस्टिक रिटेल, एक है इंटरनेशनल, और एक है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, जो हमने लास्ट ईयर फरवरी में बोला था कि हम इसको बेचने की कोशिश करेंगे।
अभी हाल कल कल की बोर्ड मीटिंग में जो हमारी स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसने रेकमेंड किया है बोर्ड को कि जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी टर्न अराउंड हुई है पिछले 2-3 क्वार्टर में, एंड बोर्ड को रीलुक करना चाहिए कि इस बिजनेस को डिसकंटिन्यूड बिजनेस की तरह देखा जाए या वी शुड रीइंस्टेटेड एज अ कंटिन्यूइंग बिजनेस। अब इन तीनों बिजनेस में अलग अलग पहलू हैं, मेरे को कोई चेंज नहीं दिखता मार्जिन, इनफैक्ट मार्जिन सिर्फ इंप्रूव होंगे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में गोइंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन इंप्रूव होंगे, डोमेस्टिक बिजनेस में मार्जिन थोड़े आपको डिक्रीज होते हुए दिखेंगे, बट ये एक्चुअली ऑप्टिकल है। इसके तीन रीजन है। पहला रीजन है कि हम बहुत अच्छी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्रो एली पे, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऊपर जाता है, प्रो एली जो हमारा एडटेक वेंचर है। सेकेंड रीजन इज हमने अपना अकाउंटिंग मेथड अप्रैल से चेंज किया है जहां पे हम अक्रूवल सिस्टम में मूव कर रहे हैं, एंड एज हम अगले क्वार्टर्स में जाएंगे 4 क्वार्टर के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो सीजनैलिटी आती थी एप्टेक के रिजल्ट्स में ये भी खत्म होगी, एंड इट विल हेल्प एप्टेक अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा एंगेजमेंट करने में, ज्यादा कंट्रोल होने में इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ कोर्सेज, एंड इट विल लीड टू बेटर नेटवर्क डिसिप्लिन। तो अब जो अक्रूवल सिस्टम में जाते हैं वहां पे हम वही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जितनी सर्विस स्टूडेंट को दी गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अगले 3-4 क्वार्टर में थोड़ा सा डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस में ये मार्जिन प्ले दिखेगा, बट आफ्टर 4 क्वार्टर्स इट विल गेट कंप्लीटली इवेंड आउट। बात एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ई लर्निंग स्पेस भी बहुत क्राउडेड है, यहाँ पर भी काफी सारा कंपटीशन, लेकिन हमें आपकी लास्ट मैनेजमेंट कमेंट्री भी याद है जहाँ आपने बहुत बुलिश कमेंट्स आए थे, और ये December 21 की ही है जिसमें ये कहा गया था कि 3 times एक्सपैंड करेंगे आप साइज को, और साथ ही नद 3 years और 10 times आप एक्सपैंड करेंगे नद 5 years। वुड यू लाइक टू शेयर सम डिटेल्स हियर विद अस? Fundamentally going to be a result of the number of jobs. अगर आप मेरी मैनेजमेंट कमेंट्री में पीछे जाएं तो मेरे से पूछा गया था कि आपका डिजायर क्या है, और मैंने बोला था ये मेरा डिजायर है क्योंकि इतनी नौकरियां अवेलेबल हैं। नाउ आज के दिन में हम सब जानते हैं कि इंडिया में नौकरी की जो तलाश है लोगों को वो बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आज भी जो करियर ऑप्शन बच्चे देखते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे बैंकर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन जहां पे जिन फील्ड्स में नौकरियां हैं, अभी जैसे आप अपना मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस लीजिए, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, वहां पे आज के दिन में हर एक 3 नौकरियों के लिए सिर्फ 1 बच्चा है। तो चैलेंज जो है इंडस्ट्री के लिए वो ये है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें, स्टूडेंट्स को एजुकेट करें कि यहां पे बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंड जहां पे हम इस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो जो भी नंबर है वो हो सकता है, बिकॉज नौकरियां कम नहीं है। एंड अजय, मैं आपको बता रहा हूं अगले 5 साल में जो एक्सपेक्टेशन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो ये है कि आज के दिन की अबाउट 1 लाख पर ईयर से ये अबाउट 4-5 लाख पे पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स। आज के दिन में 1 लाख उसके लिए जॉब्स के लिए 35-40,000 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो हमें यह देखना है एज अ कंपनी कि ये स्पेस कैसे एक्सपैंड करता है, और जहां लोगों को ये करियर के बारे में मालूम पड़ेगा और वो इस स्पेस पे आएंगे वहां ऑब्वियसली हमारे नंबर्स भी बढ़ेंगे। चलिए सर, बजट भी अराउंड द कॉर्नर है। पिछली बार हमने देखा था जो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन है, ई लर्निंग है, उन सब पर बजट में कमेंट्री काफी हुई थी, फोकस भी काफी हुआ था। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से वायरस का खतरा हट गया है, लेकिन हाँ उससे बेटर प्रिपेयर है जितना हम पिछले साल थे उससे। इस समय आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजट से? सी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने एक्चुअली फॉरवर्ड भी की है मिनिस्ट्री को वो ये है कि जहाँ हमारी जैसी कंपनियाँ एजुकेशन लीडिंग टू स्किलिंग लीडिंग टू जॉब में है वहां पे हम 18% GST चार्ज करते हैं स्टूडेंट को। अब ये 18% GST फॉर्मल एजुकेशन में तो है नहीं,
इट इज जस्ट अ बर्डन ऑन द स्टूडेंट। एंड आज के दिन में अगर गवर्नमेंट इसको एक रैशनलाइज लेवल पे लेके आती है, अंडरस्टैंडिंग कि ये क्रिटिकल स्पेस है, नेशन बिल्डिंग स्पेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, इट विल बी अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्री। दूसरा जो मैं एक्चुअली आई मीन इट्स मोर देन द बजट, इट्स टू द अथॉरिटीज, वी कीप टेलिंग देम कि जैसे आज के दिन में ऑफिसेज में सब लोगों को अलाउड होता है जाना ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जहां पे स्टूडेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वहां पे आप लॉकडाउन करके क्या अचीव कर लेंगे? आई मीन इट इज जस्ट क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन रहता है अपना नजरिया रखने का गवर्नमेंट के सामने, होपफुली कोई हमारी आवाज सुनेगा एंड होपफुली दे विल एक्ट ऑन इट। चलिए, श्योर, ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर पंत।